तो ब्लू बीटल का ट्रेलर देखने के बाद तुम्हारे मन में भी कुछ सवाल उठे होंगे कि ये क्या है। तो टेंशन मतलब मैं हूँ ना, तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। पर ये कोई पुराना खिलाड़ी नहीं है। तो ब्लू बीटल जिसका की रियल नेम है जेमी रेस, ये डीसी कॉमिक्स का पार्ट है और टोटल 3 ब्लू बीटल्स में से एक है। जी हाँ, सही सुना तुमने, अब तक टोटल 3 ब्लू बीटल्स रह चुके हैं। अच्छा ठीक है, जिसमें से बाकी दो हैं डैन गैरेट और टेड कॉर्ड, जिसकी की कॉर्ड इंडस्ट्रीज है, जिसको तुमने ट्रेलर में देख रखा होगा। ठीक है समरिया। जेमी को क्रिएट किया था केथ ग्रिफिन रॉजर्स, अरे कैप्टन रॉजर्स नहीं यार। साले मजाक बना के रखते हो। सॉरी। जॉन रॉजर्स और कली हमनर ने, और इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी इन्फिनिटी क्राइसिस इश्यू नंबर 3 में, जो कि फेब 2006 में रिलीज हुई थी। और बाकी बात करें अगर ये किस टीम का मेंबर रह चुका है, तो लिस्ट कुछ इस तरह की है: जस्टिस लीग इंटरनेशनल, टीन टाइटंस, बर्ड्स ऑफ प्रे और सीक्रेट 6। ये BSNL Sixer कनेक्टिंग इंडिया। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बात करें इसके पावर्स की, तो इसको पावर्स मिलती है ब्लू बीटल्स के स्कैरब से, जो कि ट्रेलर में दिखाया गया है। और अगर बात करें बाकी बचे दो ब्लू बीटल्स की, तो उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ओ भाई जिसका की काम है अपने होस्ट की हिफाजत करना, फिर चाहे उसके लिए उसे कितना भी कत्लो गारत क्यों ना करना पड़े। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है ब्लू बीटल का आगे क्या फ्यूचर है डीसी में। और मुझसे जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर कहीं दिख रही होगी। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।